हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड कि कीबोर्ड थीम को कैसे चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप बड़े आसानी से कीबोर्ड थीम को चेंज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो आप कहीं से भी कर ले, व्हाट्सएप, फेसबुक से कहीं से भी कर ले, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ मैसेज से, तो मैसेज देख लेते हैं फ्रेंड। आप कहीं से भी कर सकते हैं या गूगल से ही कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ थ्री डॉट और यहाँ लैंग्वेज का। तो आपको सेटिंग्स के पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो थीम पे क्लिक कर देना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप अपना लगाना चाहते हैं तो आप इस पे लगा सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कलर, अगर कलर वाला लेना चाहते हैं थीम, तो आप इनमें से ये जो है आपको 9 कलर मिल जाता है। 9 कलर में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, ये कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इनमें से कोई लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नेट को ओपन करना होगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये भी अगर चाहिए कलर में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप ये भी डार्क जैसा ये जो है थीम, आप ये भी ले सकते हैं। आपको क्या करना होगा, नेट को आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड करना है थीम को। तो मैं ये, चलिए मैं ये कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है फ्रेंड, मेरा सर्वर डाउन था इसलिए। और यहाँ पे कीबोर्ड ये आ चुका है, आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपका कीबोर्ड थीम चेंज हो चुका है, देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपने सीख लिया कीबोर्ड थीम को कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।